मोहित अपने ट्रैक्टर में भर लाया है भाई, फरमा फरमा बट एवर जो भी होता है ये भी खड़े कर दिए हैं कॉलम। नाइस नाइस, ये कॉलम होते हैं भाई, इनको भर के ही तो ये फरमा खड़े करे जाते हैं ना। ये सर ये बड़ी खराब हो गए थे तो कल कॉलम बनवाए इसके लिए नहीं। ये एक, ये दो, ये तीसरा, और तो ये तो ओके ही है। ये थोड़े कट कट आके जो थोड़ी बहुत इधर गैप वैप बचेगा उसको ज्वाइंट कर देंगे, समझ गए ना। एक कॉलम और पड़ा है तो चार बने हैं, चुवा देंगे अब काम, मतलब इस महीने अक्टूबर अक्टूबर में। देखो ऊपर वाले ने चाहिए तो कंप्लीट पर पट जाएगा भाई पूरा मैटर। ये देखो भाई गेट है, ये चढ़ता है, जब नया गेट चढ़वाते हैं ना बोर्ड का तो ऐसे इस तरीके से चढ़ाते हैं भाई ये लोग। और भाई एक मुझे इतनी दिमाग खराब होता है इनको सोच सोच के, इसको देखो ओजस को पहले रेड रूट आ रखा है, लड़का बीमार है, फुल बीमार बिल्कुल। दिखाइए कहाँ है भाई, मतलब लाड करो लेकिन लिमिट में करो। ये पिवारे एकदम चिल्ड चिल्ड, ये चीजें हम कहाँ कर रहे हैं, ठंडी इतनी ठंडी तो पहले ही देख लो, बाकी मोड़ो कैसो है रो के अंधेरे में दिख रहा छोरा बीमार है सकलते। ये हर चीज का लाड थोड़ी देख रहे हम बे यार। ओजस देख कुछ बोल भी ना रहे बेचारे का हरारत है, ये देख करते ही गर्म है। देखो भाई अब इसको फिटिंग ले ली है पहले तो इसको, अरे कितनों गंदो डिजाइन है, देख देख के ही उल्टी सी आ रही है, कोई ना लगवावे इन पुराने जमाने की। यार मैं धूल ही धूल कर देगा भाई। हमारे बहुत खुशी का मौका है हमारे लिए, आपने शायद मेन पे तो देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो मैं बता देना चाहता हूँ। जिसके लिए हम इतने दिन डोल रहे थे, जो आपने देखा था कि अरुण भाई यहाँ पे रुक रहे हैं, फिर हम जा रहे हैं घूमने फिरने, जो हम ऐसे कहते थे घूमने जा रहे हैं, ये जा रहे हैं गुड़गांव फरीदाबाद चक्कर हारते थे, एक्चुअली वो हमने जो इतना सब करा था ना वो करा था एक बेस्ट डील के लिए भाई, इस मान झोटे के लिए। और फाइनली भाई घर में आ चुकी है, मैं क्यों नहीं जा पाया उसमें, और क्या मैं कल लेगी इसने डिलीवरी भाई, एक बहुत मोटा बीज बूब गया, वो मोटा बीज बूब बताने पे आऊँगा तो आप भाई, लेकिन मैं वो चीज़ बताना नहीं चाहूँगा। मैं क्या छोड़ो, थोड़े मैच्योर हो गए हैं थोड़े से, अब वो वाली चीज़ है कि इस पीक पे आ गए, इस लेवल पे आ गए कि अब ऐसे तुच्छे लोगों के बारे में बात करना मैं सही नहीं समझता, तो इसलिए भाई टॉपिक को तो क्लोज ही रहने देते हैं अरुण। वो है कि अगर कैंसिल वगैरह कराते ना तो फिर क्या रहता है ना, मैं आपको बता देता हूँ, जब तक गाड़ी शोरूम से नहीं निकलती तब तक आप कैंसिल करवा सकते हो, इंश्योरेंस आरटीओ हर चीज़ कैंसिल हो जाती है, लेकिन इशू ये रहता, एक तो इसका लोन ही 15-20 दिन में जाके अप्रूव हुआ, दूसरी चीज़ भाई पहले फिर वो SBI का लोन क्लोज होता, उसके बाद रीअप्लाई होता, उसके बाद दोबारा वही प्रोसेस होता 15-20 दिन का, मतलब 1-2 महीने की फिर चीज़ जाती, तो ये फ़ायदा नहीं था कि भाई इतने दिन हम ऐसे खींच दें खामा खाएंगी। तो इस वजह से हमने भाई टार मारी कि तू जाके लिया कोई नहीं, अब तो गाड़ी अपने हाथ में आई गई है, अब इसके साथ जो हमको मर्जी करना है करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे जो भी करना है मतलब कर लेंगे। और ये ZD सिलेक्ट वगैरह, चलो इसके डिटेल में तो हम अपना वहीं पे बात करेंगे, लेकिन गाड़ी भाई 22 लाख रुपए में, ये बहुत फर्स्ट क्लास गाड़ी है रियलिटी में। महिंद्रा की सर्विस वगैरह जैसी भी रहती हो, उन लोगों का जैसा भी बिहेवियर वगैरह रहता हो डीलरशिप लेवल पे लोकल लेवल पे, लेकिन जो वो गाड़ियाँ बना रहे हैं ना महिंद्रा वाले एज अ प्रोडक्ट भाई, वो बहुत तगड़ी है, लेकिन उनकी मैनेजमेंट उनको सुधारने में बहुत वो। और एक और चीज़ यार, कल रतन टाटा जी का निधन हो गया भाई, पूरा देश बहुत उसमें है कि एंड ऑफ एरा, मतलब रियलिटी में उन्होंने देश के लिए इतना करा है ना भाई, चाहे हेल्थ केयर हो एजुकेशन हो हर चीज़ में, वो एक चीज़ में थोड़ा सा हर किसी को दुख है, लेकिन मैनेजमेंट इसकी महिंद्रा की बहुत ज़्यादा मतलब पुअरेस्ट अगर किसी उसकी होगी ना ऑटोमोटिव में महिंद्रा है। अब कोई उनके फैन बॉय यहाँ पे नीचे कमेंट पर कितनी गालियाँ लिखो कुछ लिखो, वी डोंट जस्ट केयर, रियलिटी बता रहे हैं। आओ भाई अरुण भाई, वो मेरा मिठाई का डिब्बा तो लाए नहीं आ रहा, आप मिठाई का डिब्बा दो तो भाई, हम अरुण भाई से ज़रा मिठाई तो खा लेते हैं फिर हम इनको भी खिलाएंगे। भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई, क्या लेके आए उसके अंदर डोडा चमचम रसगुल्ले, क्या भाई की पसंद है भाई डोडा बर्फी, तो इसको खाएंगे भाई घर पे चल के। चलो आ जाओ भाई बाद में, अभी थोड़ी धूप पड़ रही है इसकी भाई, इसकी दिक्कत भी है, पहले साफ करो भाई सुबह, अब फिर घर से इतनी स्क्रैच है हमें भाई, मतलब सोयल मार्क्स कितने ज्यादा आ गए, अब तो पहले है ब्लैक गाड़ी की हुई तो दिक्कत है, कुछ भी ना चलाए भाई, अब तो 100-150 किलोमीटर चली है बस। भाई अरुण बहुत ज्यादा सोयल मार्क्स हैं, बहुत ज्यादा धूप में दिख रहे, तू तो कपड़ा मारेगा ना तू नई बिल्कुल, कोई वो है वहाँ पे भी जैसे धूल मिट्टी रहे भाई, वहाँ पे ना स्टॉक यार्ड पे खड़ी रहे भाई, वहाँ इतनी धूल मिट्टी कुछ ऐसे कर दो, बहुत दिन से खड़ी होगी गाड़ी, बहुत दिन से क्लियर भी ना करे मतलब लेने से पहले। लोन नंबर VIP लेके कैसे लगेगा भाई, उनको मैंने मतलब ये बोल दिया 30,000 तक की रेंज में जो भी नंबर आ जाए हाँ वो दे दे, मतलब वो दे। पागल है क्या तू, 30,000 की रेंज का रहे करे, कोई भी नंबर ले तू, 20,000 रुपया का नंबर है ना, मैंने कहती 30,000 की रेंज में जो नंबर आएगा मेरे को बता देना, उनमें से सिलेक्ट कर लूंगा मैं,
भाई तेरी कोई चॉइस होएगी वो बता, मैं 20,000 रुपए में दबा दूंगा यार, तू कहाँ भट गए, हमारे से कॉन्टेक्ट यूट्यूबर होने का फायदा क्या है। एक तो यार जो बहुत एडवांस दिमाग चलाते ना अपने मन में अपना नुकसान करवाते, भाई 10,000 की और मिठाई ले आते हैं मेरे लिए, आपको ज्यादा पैसा आ रहा है, 30,000 की रेंज में नंबर आ रहा हो, व्हाट इज दिस नॉनसेंस मैन, 20,000 का नंबर है, कोई भी तू नंबर बोलेगा ना कोई भी, मतलब बस 0001 छोड़ के, और जो तू घने वैसे रहे कि अब तू कहने लगे 0050 दिवा दे वो ना, लेकिन बाकी जैसे 84 84 81 81 80 80 ये सब 20,000 रुपए के नंबर है भाई। अच्छा, हाँ तो बात बात कर लेंगे फिर भाई। तो अगर भक्ति को चाहिए 1008 ठीक है, 11 11 मतलब 11 11 तो चल महंगो 1,00,000 रुपया को, तो ऐसे बहुत सस्ते है 30 30 20,000 रुपए का नंबर है, वहां पे बिड लगेगी बस थोड़ी सी, आप क्योंकि तेरे जैसे पलवल में और भी डोल रहे हैं, 5-10 जने फाइल एसडीएम पे जाएगी, तू एसडीएम दे तू बिडिंग करी हो, लेकिन पलवल में इतने 50,000 से ऊपर कोई ना बढ़े, एक मैंने देखो अभी तक 70-80,000 तक को बिको, 30-30 बस लास्ट, तो अगर तेरा बन करे तो तू भी वो भी कर सके, और कई सीरीज में तेरे भाग अच्छे है कि भाई कोई ना है बिडर तो 30-30 भी मिल जाएगा। अभी AC चल रहा है, HR30 AD अरुण डॉन 30-30 या फिर 3003 या 0303 ये 20,000 रुपए का नंबर है, अपना बढ़िया लगेगा, नहीं तो 11-43 ले यार, तेरे नया देगा गाड़ी कितनी लकी रहेगी, सबसे बेस्ट आ जाओ मैं तेरा बात किया गया। माथे पे बिंदी होंठ गुलाबी मेरी तबाही है। तो भाई एक भाई ने हमारे लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया था, मेल करा उनका हैप्पी बर्थडे है, तो उन्होंने भैया दो तो भाई बेस्ट। अब यार दिक्कत ये है पीयूष कुमार भाई आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, दिमाग दे कितना लगाया, लोकेशन ढूंढी हमारी, मतलब पवार ये तो पता ही है फार्म हाउस अपना, हमारे यहाँ जोमेटो वाले भी बुलेट पे तो डिलीवरी करते हैं, कभी कभी हल्के में ले रहे हो, अब हमारा तो व्रत है तो इसको घर पे ही दे आएंगे। तो पीयूष भाई आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, अगर आप ब्लॉग देख रहे हो, मेन ये नहीं है कि भाई आपने क्या ऑर्डर करा क्या नहीं, ये सोचा ही आपने फर्स्ट टाइम कि भाई अरुण भाई ले वो कर देता हूँ, इतने सब प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं तो भाई हमारे तो अजीत भाई आर के बेटे को बाद जन्मदिन है वो तो तब हमको एक समोसा तक नहीं खिलाते हैं, मतलब भाई इतना दूर हो के भाई क्यों केयर कर रहा है भाई इतना, वो समझ रहा है तो भाई तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, इसका मतलब ये नहीं है अब हर किसी का बर्थडे आए तो वो हर कोई यहाँ पे ऑर्डर करेगा, ये ऐसे मत करना, घर बुलाओ और गाड़ी से आ रहे हैं अभी, ठीक है आपने घर बुला लिया करो, वहाँ पे अच्छी सेवा पानी कर दिया करो, राधा बड़े भाई लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन करने भी ना आ रहा हूँ, देख रहा हूँ दुनिया कैसी है, दुनिया घर के काम में लग रहा है, दुनिया भाई दूसरे की भाई खुशी से खुश नहीं होती, लो भाई आप चलाओ गाड़ी को, भाई आप चलाओ मैं चलाऊँ, ठीक है भाई आ जाओ, अब लगा दिए लोग, अरे हमें एक साइड भाई हम में से तो कोई नहीं खाएगा इसको, तो मैं अपने आकाश भाई के लिए गिफ्ट दे देता हूँ, आकाश भाई, ओ आकाश भाई ब्रो मेरी सरप्राइज लाया आपके लिए, नहीं मेरी है आकाश भाई आपके लिए, देखो क्या लाया, लो आपके लिए स्पेशल खाने के लिए लेना, अरे बहुत मस्त है दही वही सिर का प्याज सब कुछ, वैसे तो मेरी फेवरेट है भाई वेज बिरयानी, लेकिन अपना फास्ट है तो क्या कर सकते हैं, नवरात्रे चल रहे हैं ना, ले यार। और जागो तुम ऑटोमेटो काम है आगो घर, दिनेश भाई राधे 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 राधे, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दो, नई गाड़ी लेके आया हूँ स्कॉर्पियो, ये तो यार ऐसी गाड़ी आई है, ये एक तो एक ऐसी आ रही है स्कॉर्पियो जो इसमें ना आनी चाहिए, एक ऐसी स्कॉर्पियो देखी जो ये बदलवाए जो सुई नहीं घूम जावा एकदम, अब दो सुई घुमा दूंगा देख, नहीं ये नहीं है वाकई में, ये देख अरे ये नहीं है यार वाकई में यार, वो सिंपल पत्ती सी लगी रहे जो कहा देख लियो तेने, भाई मैं फोन पे देखे हैं यार, अच्छा रात ने करवा रखी, ये सिस्टम बदलवा रखो, रात के 8 बजे के बाद देखी होगी ना, 9 बजे पीछे से पागल है रो, अच्छा मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बोल दो, कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बोल दो मुझे नई गाड़ी के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बोल दो भाई एक काम कर मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल पहले, अच्छा हाँ बता, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल, कांग्रेस की मतलब, अरे बधाई दे मुझे, मैं क्या बधाई दूं, मैं नई गाड़ी लाया हूँ तो कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं, ना भाई नहीं आपने लाई गाड़ी तो बोलो तो सही कांग्रेचुलेशंस, भाई ऐसे नहीं मेरे हम तो अपने उसकी बोलेंगे जो अपनी फॉर्च्यूनर आएगी जो आपके, तो बोलो तो फिर बोलो, हाँ पहले फॉर्च्यूनर आन दे पहले तो तैयार तो कर, ठीक है बड़े भाई राधे राधे, ठीक है चलो भाई क्या, तो भाई ठीक हो
ठीक है भाई, अरुण भाई का आप जाने का समय हो गया है। ठीक है भाई, देखो आराम से जाना। ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो फिर से नई गाड़ी के लिए। जम रही है आपकी पर्सनैलिटी पर, सूट कर रही है। राधे राधे भाई। राधे राधे भाई। हट्टे कट्टे आप, हट्टी कट्टी गाड़ी ली आपने भाई। गाड़ियाँ का ना पर्सनैलिटी से बहुत मेरे ख्याल से तो लेना देना होता है। और जैसे सूखा मल्ल आ रही है, इसकी पर्सनैलिटी पर आप लोग बताओ, ये जम रही है थोड़ी बहुत, नहीं जा और मौसम देखने इंट्री काम का कैसा हो रहा है। ठीक है, टिप्पर मार देता है आवाज। निकलो श्याम नगर वालों, तू ही राम कॉलोनी वालों, राधे राधे। देखो मलूक लगते गाड़ी, नो डाउट। चलो मैं भी चलता हूँ।